वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार में 52,000 पदों पर 6th to 8th की जो भर्ती होनी है उसके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन सा पेपर सभी को सॉल्व करना होगा, उसका सिलेबस क्या होगा और मेन पेपर आप सभी का यहाँ पर क्या होने वाला है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये एक बड़ा इशू बन रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, साथ ही साथ क्या डीएलएड भी क्लास 6th to 8th की वैकेंसी के लिए एलिजिबल है या नहीं, सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। कुछ जो डीएलएड के साथी हैं वो क्लास 6th to 8th के लिए एलिजिबल हैं और कुछ डीएलएड के ऐसे साथी हैं जो क्लास 6th to 8th के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पीआरटी वाली वैकेंसी के लिए ही एलिजिबल हैं, सब कुछ आपको बताएंगे और साथ ही साथ इसमें बीएड वाले जो हैं वो पूरी तरीके से इसमें एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की यहाँ पर हम बात बताने वाले हैं, बहुत से लोग जो हैं अपने अपने तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बता रहे हैं, हम आपको सब कुछ यहां पर क्लियर कट बताएंगे। साथ ही थोड़ी देर पहले अभी हमने ये वाला वीडियो अपलोड किया है, आप वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार जी ने साफ अनाउंसमेंट किया है इस भर्ती को लेकर कि 1,00,000 पदों पर आपकी बहाली होगी, जिसमें 52,000 6th to 8th की भर्ती है और 50,000 जो भर्ती आपकी है वो टीजीटी और पीजीटी की है। पीआरटी की भर्ती की अभी कोई भी यहां पर जो है बात नहीं हो रही, लेकिन अंत तक पीआरटी की भर्ती 40,000 पदों पर जरूर यहां पर देखने को मिलेगी, जब नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीजें यहां पर क्लियर आपकी हो जाए। ये आप एनसीटी वाला जो गजट देखिए 23 अगस्त 2010 वाला, जिसमें क्लास 1 से 5 के जो टीचर हैं उनकी योग्यता के बारे में यहां पर बात कही गई है। फिर आगे यहां पर आप देखिएगा कक्षा 6 से 8 वाली जो भर्ती आनी है वो इसी पैटर्न पर होगी, चूंकि जो भी भर्तियां होती हैं वो एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहां पर की जाती हैं और एनसीटीई की जो गाइडलाइन है 23 अगस्त 2010 वाली वो यहां पर साफ साफ कहती है कि अगर आप यहां पर बीए हैं, बीएससी हैं या फिर कोई भी आपने ग्रेजुएशन का कोर्स किया है उसके बाद 2 वर्षीय डिप्लोमा, डिप्लोमा का मतलब हो गया कोई भी डिप्लोमा, जैसे अलग अलग राज्यों में कुछ राज्यों में जेबीटी है, कहीं पर जो है बीएसटीसी है राजस्थान में, अपने वहाँ यूपी में डीएलएड है और कहीं पर इसको बीटीसी बोला जाता है, खैर बीटीसी का नाम अब डीएलएड हो गया, तो ये जो डिप्लोमा अलग अलग 2 साल के होते हैं अगर आपने वो किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पर 50% अंकों के साथ स्नातक के बाद 50% अंक आपके स्नातक में थे, स्नातक के बाद आपने यहाँ पर बीएड किया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आपने पीजी करने के बाद बीएड किया है तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। जो मैं ऑफिशियल दिखा रहा हूँ इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, चाहे आपका बीएड 1 साल का हो चाहे आपका बीएड 2 साल का हो, पूरी तरीके से आप यहाँ पर एलिजिबल। अब आप स्क्रीन पर देखिएगा, सबसे पहले हम योग्यता की ही बात कर लेते हैं। देखिए जिसने भी इंटरमीडिएट करने के बाद बीटीसी यानी डीएलएड किया है वो बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पीआरटी की भर्ती के लिए एलिजिबल है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसा राजस्थान है, राजस्थान में बीएसटीसी जो होता है वो इंटरमीडिएट के बाद ही होता है, तो आप बिल्कुल इंटरमीडिएट के बाद अगर आप बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं इस भर्ती के लिए, 6th to 8th की भर्ती के लिए। लेकिन जितने भी साथियों ने ग्रेजुएशन के बाद अपना बीटीसी या डीएलएड कंप्लीट किया है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब मैं एक छोटी सी जानकारी और दे दूँ ताकि मैं आगे आपको फिर बताऊंगा। एक जानकारी ये है कि अगर आप एससीईआरटी पढ़ेंगे तभी आपका पेपर यहाँ पर क्लियर होगा, तो सबसे पहले आप एससीईआरटी के बारे में समझ लीजिए, नोट्स हमने बेहतरीन बना दिए हैं, आप देखिए समझिए और उसको परचेज करिए, समय कम है पढ़ाई करिए, चूँकि 15 अक्टूबर तक आपका फॉर्म आ जाएगा, 25 नवंबर के आसपास आपकी परीक्षा हो जाएगी, दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, तो 2 महीने के बाद ही आपकी परीक्षा है। ऐसे में आपको सही तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान इधर उधर मत भटकाइए, पहले आप एससीईआरटी को समझिए, पहले आप उसको पढ़िए, फिर आप इस वीडियो पर देखिए। अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी एससीईआरटी पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि एससीईआरटी की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएं। हमने 23 किताबों का एससीईआरटी का जो निचोड़ पीडीएफ है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ईबुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है, आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो।
ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है। सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है, साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे, या फिर आप मुझे इस नंबर 94 55 28 27 93 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है, और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, आप लोग समझ रहे होंगे। 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस SCERT को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम अपना क्रैक कर लेंगे, और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। BPSC यही पूछेगा, चूँकि SCERT आपके सिलेबस में दिया गया है। SCERT के बारे में आपने समझ लिया, जब आप SCERT परचेज करेंगे वहाँ पर आपको लैंग्वेज प्लस SST प्लस साइंस मैथ्स सबके लिए आपको वहाँ पर कंप्लीट बुक दी जाएगी। आराम से पढ़िए और वहीं से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपने देख लिया, अगर आप इंटरमीडिएट के बाद BTCA DELED किए हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं, लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद, जैसे अपने वहाँ UP में ग्रेजुएशन के बाद ही BTCA या DELED होता है, पूरी तरीके से यहाँ पर 6th to 8th के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप देखेंगे यूपी में 1504 पदों पर, जो यूपी में अभी जूनियर एडेड कॉलेजों की भर्ती आई हुई थी, खैर अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है, उसमें आपने देखा होगा कि जो BTCA के साथी हैं वो भी एग्जाम दिए थे, वो भी यहाँ पर एलिजिबल थे। इसका मतलब साफ है कि जो NCT की गाइडलाइन है कि ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप BTCA या फिर आप DELED करते हैं तो बिल्कुल आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर आपने, चूँकि BEd जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, ग्रेजुएशन के बाद आपने अगर BEd किया है तो बिल्कुल आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। तो आपने यहाँ पर समझ लिया, यानी DELED के जो UP के साथी हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर एलिजिबल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सेकेंड थिंग, CTET का पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और क्वालिफाई ही नहीं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके 90 अंक होने चाहिए या उससे अधिक अंक होने चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं या फिर जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 अंक CTET के पेपर 2 में होने चाहिए। अभी अपेयरिंग में जो BEd वाले हैं, जो BTCA वाले हैं, जो CTET अपेयरिंग, जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, CTET सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, और इनको लिया जाएगा, अपेयरिंग वालों को नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ 99.99% अपेयरिंग वालों को भी मौका सरकार इस बार भी देगी, जैसे पिछली भर्ती में दिया था। अब देखिए यहाँ पर हम अब बात करेंगे सिलेबस के, फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। आप यहाँ पर देखिए पेपर आपका जो होने वाला है कुछ इसी पैटर्न पर होगा, 40 प्लस 80 में डिवाइड होगा, 40 नंबर में कॉमन पेपर होगा जो सभी के लिए होगा, जनरल पेपर होगा, और 80 में आपका जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेपर आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। 120 अंक का आपका पेपर होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी ये सब बाद में BPSC डिसाइड यहाँ पर करेगा। अब देखिए जो आपका कॉमन पेपर होगा, जहाँ तक हमने पता किया है अच्छी तरीके से, कॉमन पेपर में बिहार स्पेशल पूछा जाएगा, बिहार स्पेशल की भी नोट्स हम देंगे, बिहार करंट अफेयर, इंडिया एंड वर्ल्ड की करंट अफेयर, इसके भी नोट्स आपको मिलेंगे, ये भी आपको हमारे नोट्स मिल जाएगा। तो बिहार स्पेशल, बिहार प्लस इंडिया प्लस वर्ल्ड की करंट अफेयर, स्टैटिक GK, मैथ साइंस के कुछ बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, GK में कुछ बहुत ही ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन हिस्ट्री से डाल दिए जा सकते हैं, प्लस EBS प्लस रीजनिंग, मतलब ये जो कॉमन पेपर होगा आप ये समझिए जिस तरीके से अपने वहाँ जो भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें छोटी छोटी चीज़ें जो पूछी जाती हैं वही चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बिहार स्पेशल पर फोकस करना है, प्लस जो बिहार की करंट अफेयर है, इंडिया की करंट अफेयर है, प्लस वर्ल्ड की जो करंट अफेयर है उस पर आपको फोकस करना है। स्टैटिक GK जो आपकी है वो कवर हो जाएगी, लूसेंट से आप लूसेंट का पूरा वाला पीछे वाला पोर्शन देखिएगा, लूसेंट की बुक में विविध वाला जो पोर्शन दिया गया है, विविध वाले पोर्शन से यहाँ पर स्टैटिक GK आपकी करंट अफेयर हो जाएगी, या आप RWA की बुक ले सकते हैं, जो येलो बुक आई हुई है वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, या आप हमारे नोट से कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी रहेगी EBS थोड़ी बहुत यहाँ पर पूछी जा सकती है, रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन होंगे, मैथ के इसमें 1-2 क्वेश्चन होंगे, इसी तरीके से 40 प्रश्न आपके जो होंगे वो इस कॉमन वाले पेपर से होंगे। इसके बाद आपका जो मेन पेपर है वो रहेगा साइंस एंड मैथ्स वाला, SST वाला और लैंग्वेज वाला, चूँकि 3 प्रकार के यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो बनेंगे 6th to 8th के लिए। यहाँ पर जो साइंस एंड मैथ्स होगी, साइंस आएगी 40 क्वेश्चन की, मैथ्स आएगी आपके 40 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन आपके साइंस एंड मैथ्स के देखने को मिलेंगे। अब ये इसका जो लेवल होगा साइंस और मैथ्स का, ये सब रहेगा 10th लेवल तक, या बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा दिया जाएगा तो मैथ का लेवल 10th का रहेगा, साइंस का लेवल 12th तक यहाँ पर जा सकता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जब
नोटिफिकेशन आएगा उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस लेवल तक यहाँ पर पूछा जाए। फिलहाल अभी आप 10th लेवल तक पढ़िए, अगर ज़रूरत पड़ेगी 12th लेवल तक कहा जाएगा तो हम 12th लेवल तक की जो नोट्स होंगे वो उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ पर साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैथ आपके 10th लेवल तक यहाँ पर पूछी जाएगी। मैथ में आपकी अलजेब्रा भी होगी, अर्थमेटिक भी होगी, सब कुछ यहाँ पर पूछी जाएगी जो 10th लेवल तक मैथ आपकी आती है। अब देखिए एसएसटी में जो आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, बंगला, इसमें साहित्य होगा प्लस व्याकरण भी होगा, मतलब दोनों पोर्शन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर बड़ी बात आती है कि जो एसएसटी है वो भी अभी आप जो है 1 से लेकर के 10 तक की जो बुक्स हैं एससीईआरटी की उनसे ही पढ़िए, सारा डेटा वहीं से मिल जाएगा। लैंग्वेज भी आप 1 से लेकर के 10 तक की जो एससीईआरटी वाली बुक्स हैं वहाँ से पढ़िए, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब देखिए जो हिंदी के टीचर बनेगा उसको सिर्फ हिंदी के 80 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश के जो टीचर बनेगा तो इंग्लिश अगर आप चूज करेंगे तो इंग्लिश के आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे, उर्दू के भी 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगर आप उर्दू सेलेक्ट करेंगे, संस्कृत है, बंगला है, जो भी लैंग्वेज के टीचर बनेंगे उनको जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसके 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और 80 प्रश्न में आपका साहित्य भी होगा और आपका व्याकरण भी होगा। ये चीज़ आपने समझ लिया। जो एसएसटी के टीचर बनेंगे उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं उनसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। साइंस और मैथ्स से आपने समझ लिया कि साइंस के 40 और मैथ्स के 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि लैंग्वेज का टीचर कौन बनेगा, एसएसटी का टीचर कौन बनेगा, साइंस एंड मैथ्स का टीचर कौन बनेगा। तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि अगर आपने बीटेक किया हुआ है, अगर आपने बीसीए किया हुआ है, अगर आपने बीए मैथ्स किया हुआ है, या फिर अगर आपने बीएससी किया हुआ है, बीएससी पीसीएम ग्रुप से, पीसीबी ग्रुप से, या फिर आपने बीएससी एजी किया हुआ है, तो ये सभी लोग साइंस एंड मैथ्स के टीचर बनेंगे। आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से मतलब है, ना कि जो है आपके डीएलएड या फिर बीएड के सब्जेक्ट से मतलब है। आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर टीचर बनेंगे। बाकी जो बीकॉम किए हैं, जो बीबीए किए हैं, इसके अलावा जो कोई अन्य कोर्स किए हैं, जो हमने कोर्स अभी इसमें बताया इससे मैच नहीं करता है, अगर आप बीए किए हुए हैं तो आप एसएसटी के टीचर बनेंगे। आपको आपको जो है जीएस पोर्शन पर फोकस करना होगा, आपको जीएस पोर्शन पढ़ना होगा। अब लैंग्वेज के टीचर कौन बनेगा, अगर आप कोई भी लैंग्वेज आपकी ग्रेजुएशन में रही है, जैसे आप मान लीजिए बीए कर रहे थे, बीए में आपकी हिंदी थी, इंग्लिश थी, तो आप चाहे हिंदी के टीचर बन जाइए चाहे इंग्लिश के टीचर बन जाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके ग्रेजुएशन में उर्दू है, संस्कृत है, बंगला है, तो आप इसमें से किसी एक के टीचर बन सकते हैं, जो आप जिस पर जिस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ मजबूत हो उस लैंग्वेज को आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर समझ लिया एसएससी टीचर कौन बनेगा, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के ऊपर। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है या नहीं, तो देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए, मैं आपको ऐसा समझाता हूँ, अगर मान लीजिए बीए में आपके पास हिंदी थी प्लस इंग्लिश थी और फिर आपके पास ज्योग्राफी थी, हो सकता है कि ज्योग्राफी आपके लास्ट में छूट गई हो, तो आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं, इंग्लिश के बन सकते हैं, ज्योग्राफी के भी टीचर बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो सब्जेक्ट आपका है वो 2 साल कम से कम रहना चाहिए, बस इतना सा आप समझिए। 2 साल कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते जरूर हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, फिर सेकेंड ईयर पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में भले ही छूट जाता है। तो चाहे आप एसएसटी टीचर बन जाइए, चाहे आप हिंदी के टीचर बन जाइए, चाहे आप इंग्लिश के टीचर बन जाइए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिस तरीके से टीजीटी और पीजीटी में देखा जाता है उस तरीके से बिल्कुल भी यहाँ पर 6th to 8th में नहीं देखा जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा चीज़ें पता करनी है तो जूनियर एडेड वाला जो वैकेंसी 1504 पदों पर यूपी में आई हुई थी, आप उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, आराम से स्टडी करिए, रीड करिए, उसमें कहीं पर भी कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की ही नहीं गई है। तो अदर स्टेट में कैसे की जाएगी, चूँकि एनसीटी की गाइडलाइन में ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया ही नहीं गया है। तो बिल्कुल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है। आपका जो भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में रहा है, जो भी आप टीचर बनना चाहते हैं उसके हिसाब से, जो भी आपका सब्जेक्ट मजबूत है वो आप अभी से पढ़ना शुरू करिए ताकि आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकें। और बाकी तो YouTube पर बहुत सारे वीडियो डेली बनते रहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत से वीडियो आते रहेंगे, आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ज़्यादा आप वीडियो के चक्कर मत पड़िए, आप अभी से पढ़िए क्योंकि समय अब आपके पास कम बचा हुआ है। बाकी जो इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं वो मैं लेकर के जरूर आता हूँ, अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपको जो है सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आपको मैंने यहाँ पर सारी जानकारी जो थी वो मैंने यहाँ पर समझा दिया।
अब यहाँ पर कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है जो हमने बताया। देखिए कॉमन पेपर जो है ये पासिंग मार्क हो सकता है सभी के लिए कि अगर आप इसको पास करेंगे और इससे जो 80 नंबर है इससे हम मेरिट बना लेंगे, ये भी हो सकता है। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर हो सकती है, यह हो सकता है कि 40+80 यानी 120 मार्क्स में से आपके जो पूरा पेपर है जो 120 नंबर है उससे भी आपकी कट ऑफ यहाँ पर बनाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 50 प्रश्न और यहाँ से 100 प्रश्न भी किए जा सकते हैं, टोटल 150 नंबर से आपका पेपर बनाया जा सकता है। लेकिन पैटर्न जो रहने वाला पैटर्न कुछ इसी तरीके से ही रहेगा। जब ऑफिशियल चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, तो चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल यही पैटर्न रहने वाला है, मैं अपनी तरफ से 99.99% गारंटी लेता हूँ। और आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अभी से आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। SCRT सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, SCRT के बाद आपको पढ़ना है बिहार स्पेशल, बिहार की करंट अफेयर, इंडिया की करंट अफेयर, वर्ल्ड की करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, मैथ और रिजिंग थोड़ी बहुत यहाँ पर पढ़नी है। अब देखिए जो साइंस वाला टीचर होगा उसके लिए तो साइंस और मैथ यहीं से कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टैटिक जीके वगैरह करंट अफेयर है और कुछ जो एकाध जीके के 2-4 प्राचीन प्रश्न आएंगे उनको देखना होगा। ऐसे ही जो SST के टीचर हैं उनको यहाँ पर SST में तो जीके स्टैटिक जीके सब कवर हो जाएगा, लेकिन उनको थोड़ा सा यहाँ पर मैथ वैथ पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना सब कुछ है, जो कि पढ़ाना आपको लगभग वहाँ पर सब कुछ रहता है 6 to 8 में, आपको पता ही है। लेकिन मेन जो आपका रहेगा ये आपका मेन रहेगा SST, मेन रहेगा साइंस, मेन रहेगा आपका लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर समझा दिया, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करिएगा, हमने मेहनत से वीडियो बनाया है, सारी चीज़ें पता करने के बाद वीडियो बनाया है। और अभी से आप SCRT नोट्स को बाई कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 9455 2827 93 पर भी व्हाट्सअप करके आप नोट्स को ले सकते हैं। फिर से मिलेंगे।